मैं कहीं जाती भी हूँ ना कहीं स्कूल्स में बुलाया जाता है मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ आपकी लड़की दुनिया में कुछ भी कर सकती है अगर आप उसके साथ हैं मैंने बचपन में अपने फादर के मुझसे सुना अरे कोई नहीं चली जाओ कोई लड़का कुछ बोले तुम थप्पड़ मार के आ जाना अब बाकी हम देख लेंगे ये कॉन्फिडेंस मुझे आज आज, आज आपको पता है मुझे आज डर नहीं लगता आप मुझे रात में मैं रात में बारह बजे एक बजे गाड़ी कार चलाती हूँ या कहीं अकेले जाना हो मैं कहीं अपने आपसे पूछती हूँ कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा इस सिचुएशन में तो तुम्हें डर लगना चाहिए मतलब कभी कभी मेरा लॉजिक कहता है मुझे डर लगना चाहिए बट देन जो जवाब मुझे अपने अंदर से मिलता है वो ये कि मुझे कभी डरना सिखाया नहीं गया हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बेहद अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं भारतीय है, टीवी न्यूज़ का सबसे जाना मैना चेहरा और मोस्ट लव्ड फेस प्लीज वेलकम रिचा अनिरुद्ध जी थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग थैंक यू सो ऋचा जी काफी लोग तो आपकी स्टोरी जानते हैं बट अगर आप शॉर्ट में एक बता सकें कि कैसे आपके अंदर ये पैशन जागा कि आपको जर्नलिज्म या

मास्टर्स करेंगे तो लेक्चरर प्रोफेसर की तैयारी कोई, मुझे मुझे तो कोई नया काम हो करने को अच्छा हाँ मुझे रोज एक ही काम नहीं करना हालांकि वो एक रैट रेस में हम, हम भी पीएमटी में दो तीन साल बैठे डॉक्टर की बेटी हूँ मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं यू पी में बैठू बोलते थे क्या है कुछ और करूँ लेकिन मैं

तो थोड़ा वो है मुझे फोबिया तो मैंने कहा वो भी नहीं कर सकती बस फिर कंप्यूटर कोर्स करने दिल्ली आई थी और एक एक एनजीओ है स्पिक मैके करके जो आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में मेरा सम, आ, हमेशा से वो कल्चरल इंक्लिनेशन रहा तो मैं उस, उसकी मेम्बर थी तो दूरदर्शन वाले आए थे स्पिक मेके पर एक फिल्म बनाने तो जो फाउंडर है डॉक्टर किरण सेठ उन्होंने कहा भाई एक साउंड बाइट ये भी दे देगी आप सोचिए नाइनटी झांसी से आई थी मुझे तो साउंड बाइट भी नहीं पता था लेकिन जब मैंने बोला तो उनके कैमरा पर पर्सन ने ना अप्रिशिएट किया बोले बड़ी फोटो जने की लड़की ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड बोले और बोल भी अच्छा रही हिंदी अच्छी बोलती है तो जो दूरदर्शन से आ, मिस्टर रमेश शर्मा आए थे उन्होंने कहा कि बेटा आपने कहीं ट्राई किया है कभी एंकरिंग या कुछ मैंने कहा सर मैं तो किसी को जानती नहीं दिल्ली में अभी अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने आई हूँ उन्होंने मुझे बुलाया और अंकुर करके एक प्रोग्राम आता था मुझे नहीं पता आप दूरदर्शन पर आता है नहीं सुबह आता था गार्डनिंग पर संडे को

एक अखबार में काम किया दैनिक नवजोत ने तो फिर मुझे लगता है आप रोज की आ हैं। लिखने पढ़ने का हमेशा, हमेशा से शौक रहा क्योंकि मेरे नाना जी कवि थे घर में एकदम हिंदी वाला माहौल था तो मुझे लगता है उन चीजों ने बचपन से स्टेज फ्राइट कभी नहीं रहा तो मेरी थ्रू आउट स्कूलिंग आई वॉज अटूडेंट एस टू से फर्स्ट टेन में थे लेकिन स्कूल uh, में कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि कोई इवेंट हो और मैं उस पर स्टेज पर ना हूँ रचा बादल मेरा नाम था हाँ अरे आप गाना गवा लीजिए डिबेट स्पीचेस एलिक्शन जो करना करा लीजिए डांस सब कुछ तो मुझे लगता है वो जो मेरी क्वालिटीज थी उन्होंने हेल्प किया मुझे फिर मैं इसी में आगे बढ़ती चली गई दूरदर्शन से जुड़ी रही इस तरह एक और प्रोग्राम किया मैंने उनका एक इवनिंग लाइव शो आता था अजमेर से भी कभी कभी दिल्ली आके वो करती रही फिर मैं 2001 में वापस दिल्ली आई तब तक मेरी बेटी आ, कुछ महीनों की थी और फिर मैंने दूरदर्शन से ही शुरू किया लेकिन फिर जैसे होता ना कहीं छोटे छोटे प्रोग्राम मिलते गए पाँच सौ रुपये का एक शूट <laughs> कहीं डी, डी स्पोर्ट्स का एक शो किया फिर कहीं से किसी ने रेकमेंड किया कि भाई अच्छा करती है तो एक और कोई शो मिला फिर ई e उस ज़माने में एक शो किया ऐसे करते करते फाइनली दो में मुझे जी न्यूज़ से कॉल आया और उस छोटे से एक साल के अंतराल में जब मैं स्ट्रगल कर रही थी यहां मीडिया में काम ढूंढ रही थी और छोटे छोटे काम मिल रहे थे मैंने सितार वादक पंडित रविशंकर जी का एक साल काम किया वहां पर मेरा वो जो म्यूजिक एंड कल्चर वाला जो पिकमे का एक्सपीरियंस था वो काम आया कि एक, एक इतने बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन के साथ आप कैसे काम करते हैं उनका ऑफिस संभालती थी तो ये मेरी जर्नी पैरल चल रही थी टिल आई गॉट जॉब इन जी न्यूज

मैं जितने भी गेस्ट को इंटरव्यू किया आई थिंक आई वॉज टू जयाकिशोरी जी एज वेल और इवन विकास खन्ना जी इस ये एक ऐसा पॉइंट है जो ऑलमोस्ट एवरी बहुत कॉमन आ रहा है सभी के अंदर कि आप शायद कुछ और चाहते थे या आपको क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है लेकिन शेप ऑफ़ इवेंट्स ऐसे रहे इवेंट्स ऐसे शेप हुए कि जैसे अब अगर जोड़े पास्ट को तो ऐसा लगता है कि हर एक M जैसे कनेक्ट cool, हो you know, रही है कि अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पीएमटी में सिलेक्ट हो जाती है अच्छा देखिए कितनी बड़ी बात ये मुझे लगती है अब मैं यंगस्टर्स को बोलती हूँ जिस समय मेरी सब सहेलियां पीएमटी में सिलेक्ट हो रही थी और मैं नहीं हो रही थी मतलब अब आप मुझे आज डिप्रेशन वर्ड हमें पता है उस जमाने में तो डिप्रेशन वर्ड हमारे लिए था भी नहीं बट मुझे अब अब मैं सोचती तो मुझे लगता है का? हो सकता है मुझे डिप्रेशन हुआ हो क्योंकि मुझे लगता था आई एम द बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ ये देखो ये भी इसका भी हो गया पीएमटी में अच्छा साथ पढ़े हैं सब अच्छी सहेलियां ये भी हो गई मैं सबसे यूजलेस हूँ मैं सबसे बेकार हूँ मेरा तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा रोती भी थी बैठके की लेकिन आज पता है क्या सोचती कहा कि, <laughs> <शाहर laughs> कि, so, कि उस टाइम पे तो इस डायरेक्शन में आना ऑलरेडी एक डिफिकल्ट चॉइस थी तो एज अ वन आपने क्या चैलेंजेस फेस किए क्या घर से प्रॉपर सपोर्ट था आपको क्योंकि घूमने फिरने का भी आपका काम रहा तो वो कुछ चैलेंजेस आपको आए उस देखिए काम पर जो चैलेंजेस होते हैं मतलब अब तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ना न्यूज रूम में लोग अवेयर हो गए बहुत बातें होने लगी इस तरह की लेकिन हम लोगों ने वो टाइम देखा है जब कोई भी मेल चलते फिरते कुछ भी अरे ये, ये इन औरतों से नहीं होगा या हमने आज की डेट में आप देखिए सारे न्यूज चैनल्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है सब मेरी अच्छी सही दोस्त हैं अंजना श्वेता रूबिका बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में इनको बिठाया जाता है ये ये हैंडल कर रही होती थी हमने वो देखा है थैंकफुली मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ था लेकिन मैं कई बार बैसे देखती थी कि कोई कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और अगर कोई यंग फीमेल एंकर हो तो कई बार बॉस कह देते थे अरे इसको हटाओ वो किसी मेल एंकर का नाम लेके कहते थे उसको लेकर आओ तो बहुत सारे उस समय देखे कई बार लोग नहीं रियलाइज़ करते वेमेन रिपोर्टर्स फील्ड में होती हैं कहीं वॉशरूम्स नहीं है अब वो सिचुएशन एक्चुअली बहुत बदली है बहुत बदली है इस तरह की लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स या आप कहीं शूट पर गई हैं रात हो गई है ट्रैवल में उस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत होती है एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी जो कि अब मैं कहीं जाती भी हूँ ना कहीं स्कूल्स uh, में बुलाया जाता है मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ आपकी लड़की दुनिया में कुछ भी कर सकती है अगर आप उसके साथ हैं वह सर इस कंट्री में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिस अगर फैमिलीज बन जाए और अब बनती हैं बन रही हैं ये भी बहुत चेंज आया थैंकफुली मैं ये कहूँगी आई एम ब्लेसड टू बी बॉर्न इन अ फैमिली जैसे कभी भी हमको मतलब आई लाइक अ गर्ल इन दैर कि कभी ये नहीं कहा गया मैं कहीं भाई हंस के अपनी बेटियों को बताती भी हूं कि मैंने बचपन में अपने फादर के मुझसे सुना अरे कोई नहीं चली जाओ कोई लड़का कुछ बोले तुम थप्पड़ मार के आ जाना अब बाकी हम देख लेंगे ये कॉन्फिडेंस मुझे आज आज आपको पता मुझे आज डर नहीं लगता आप मुझे रात में, मैं रात में में मैं बारह बजे एक बजे गाड़ी कार चलाती हूँ या कहीं अकेले जाना और मैं कहीं अपने आपसे पूछती हूँ कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा इस सिचुएशन में तो तुम्हें डर लगना चाहिए मतलब कभी कभी मेरा लॉजिक कहता है मुझे डर लगना चाहिए बट देन जो जवाब मुझे अपने अंदर से मिलता है वो ये कि मुझे कभी डरना सिखाया नहीं गया कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम वहां से नजरें नीचे करके आ जाना मुझे आज भी याद है लखनऊ में भी मैं मैं भी पीएमटी की कोचिंग के लिए कुछ टाइम रही तो एक अब ये वर्ड्स भी आज ही सब समझ में आ रहे हैं कि स्टॉकर तो एक लड़का रोज सुबह ऐसे बाइक पे ना हम मैं पैदल जाती थी तो पीछे पीछे कभी तो मैंने अपने एक मामा मेरे लखनऊ में, में रहते थे तो उनको फोन किया मैंने कहा मामा एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है मुझे थोड़ा डर लग रहा है वो आए उस घूमते रहे तो वो नहीं दिखा तो कहते अगली बार देखे डर हमको सुनना पसंद नहीं है तुम तो उसको मारना बाकी तुम्हारा मामा है लखनऊ में तो आप समझ रहे कि मतलब आप इस सारी आज आती कि कैसे मुझे सिखाया गया तो फिर यही चीज हमने अपनी बेटी को सिखाई मैंने हमेशा अपनी बेटी को कहा कि कोई कुछ बोले ना तो तुम्हें उठाकर एक थप्पड़ मार रहा है <laughs> तो आ, फैमिली से कभी कभी ये नहीं कि तुम देर रात तक बाहर क्यों हो कितने बजे आओगी या देर से क्यों आए हो ये वाली प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं कभी भी नहीं सो आई ऑल मतलब ए, एक होता है ना ये वाला स्ट्रेस uh, मेरी माँ ने मेरी बेटी को संभाला कि नहीं तुम प्लीज मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करे तो मैं तुम्हारी बेटी को संभाल लूंगी क्योंकि मेरी बेटी हो चुकी थी उसके बाद मुझे लगता था मैं अपनी बेटी को क्रैच में छोड़कर नहीं काम करना चाहती जिंदगी में मैं कि वो उसको कौन संभाल रहा है या उसका बचपन खराब हो रहा है उस उन शर्तों पे नहीं करना चाहती मेरी माँ खड़ी हुई मेरे साथ कि कोई साथ दे ना दे कोई नहीं तुम बिटिया की चिंता नहीं करो हम उसको संभाल रहे हैं तुम करो सो ब्यूटिफुल आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि अगर माता पिता या फैमिली का सपोर्ट जिसके laws, साथ में हाँ. होता है तो आप मतलब आपकी पावर कई गुना बढ़ जाती है इस दौरान आपको जैसे आपने कहा कि बच्ची पे भी आपने ध्यान दिया उसकी पेरेंटिंग भी आप करते हैं बट एक चीज़ तो रहती है कि आपको कई बार एज अ वुमेन आप बहुत सक्सेसफुल भी हैं बट फिर भी कई बार घर की जिम्मेदारी और ऑफ़िस की जिम्मेदारी वो एक

एक टाइम पे फिर जब इमोशनल नीड्स होंगी तो उसको अपनी मदर की जरूरत ज़्यादा होगी तो मेरी पेटी बिफोर शी वाज एंटरिंग इनटू टू टीन्स मैंने फिर जैसे जब जब प्राइम टाइम न्यूज़ पढ़ते हैं तो कई बार ग्यारह बज रहा है बारह बज रहा है फिर आ, उसके साथ साथ मेरा जिंदगी लाइफ शो शुरू हो गया था तो एक मेरे करियर में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन का टाइम आया था कि जब मैं जिंदगी लाइफ करती थी तो वो बहुत ऐसा इट वॉज लाइक इट वॉज अ चैट शो टॉक शो और वो मुझे लगता है हिंदी न्यूज़ टेलीविजन पे पहला उस स्केल का शो था जहाँ हम लोग एसिड अटैक सर्वाइवर्स मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से डील कर रहे थे तो मुझे धीरे धीरे लगा कि मैं मुझे न्यूज में मेरा मन नहीं लग रहा है ठीक है और जिंदगी लाइफ में मैं ज्यादा इन्वेस्ट होने लगी थी कि आप स्क्रिप्ट लिखना क्योंकि कहाँ आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं कहाँ उस समय न्यूज चल रही थी ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं प्रिंस गड्ढे में गिरा है या इस तरह की खबरें उस समय तो न्यूज़ का एक वो डाउनफॉल शुरू हो गया था तो मैं अपने आप ही न्यूज से हट के इधर आती गई फिर ये प्रायोरिटी थी कि मुझे लेट नाइट बुलेटिन नहीं करनी है मुझे अब टाइम पर घर जाना है बिकॉज अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है अब उसे मेरी ज़रूरत है एक चीज़ मैंने हमेशा प्रायोरिटी पे रखी कि अगर उसके स्कूल में कोई फंक्शन है तो चाहे मेरा कोई भी असाइनमेंट है आई विल गिव दैट अप एंड आई विल मतलब मुझे नहीं लगता उसके स्कूल में कभी भी किसी प्रोग्राम को मैंने मिस किया हो कभी भी नहीं क्या बात है वो वो क्लियर थी तो मुझे लगता है हर है हर समय एक आती सर और आप, आप समझ में, में, में आ गया था कि अब मेरा पूरा इंक्लिनेशन ना इस तरह की स्टोरीज में ह्यूमन स्टोरीज में होता जा रहा है और न्यूज से मेरा मन हटता चला गया और न्यूज में भी चीखना चिल्लाना शुरू हो गया था तो अपने अपना हालात वैसे बनते जाते

वो तो अजीब सा भी लगेगा तो जिंदगी लाइफ ने मेरी जिंदगी बदल दी एक दूसरा डायरेक्शन दे दिया सो so ये जो आपने सेंशलिज्म की बात करी कि आजकल न्यूज़ को बड़ा सेंसेशनल बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है तो आप तो काफ़ी जुड़ी हुई हैं इसी फील्ड से तो हाउ मैनेज दैट इंटेग्रिटी एज एन एंकर या एज ए जर्नलिस्ट मुझे एक इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और एक तरफ आपको टीआरपी चाहिए तो वो सेंशनलिज्म भी लेकर के आना है So, Honestly, और और तो हाउ दे मैनेज थिंग्स? लेकिन <laughs> देखिए हर कोई वो डिसीजन नहीं ले सकता और आपको सही <laughs> बताऊँ कई आ, मेरा ना धीरे धीरे जजमेंटल होना भी बहुत खत्म हुआ जिंदगी लाइफ के साथ भी बट एक बार मैंने न्यूज रूम में ऐसे कुछ कहा कुछ जजमेंट पास किया मैंने कहा क्या तुम लोग कैसे कैसे चला रहे हो मतलब मैं तो ये कुछ कुछ तो मैं ज्ञान दे रही थी बहुत एक लड़के ने बहुत अच्छी बात कही उसने कहा मैम आप एक स्टेज पर है ना आप ये सब ज्ञान दे सकती हैं मुझे घर जाके अपने बच्चे की फीस भी देनी है मुझे अपने घर की ई भी भरनी है तो मैं मैं इतना ज्यादा भी हाई एक वो होता है ना मॉरल स्टैंड नहीं ले सकता तो मुझे लगा कि नहीं सब लोग जो काम कर रहे हैं उनको वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा हमको नहीं पता और हमें उस पर जजमेंट पास करना भी नहीं चाहिए सारे ऑर्डर्स ऊपर से हो रहे हैं

रंजना जी करके आपके यहीं से रंजना सिंह राठौड़ एंकर ही हैं स्टार लाइफ चैनल है और मैं देखती नहीं हाँ, चैनल तो।, तो उनका भी अभी पॉडकास्ट में करने वाला था तो वो अभी ये जो आंसू गैस वहाँ पे डाल दी पार्लियामेंट में तो इतना हैक्टिक स्केड्यूल है उनका कि डेट्स मैनेज करना टाइम मैनेज करना वेरी डिफिकल्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि कई बार हम बाहर से बैठ करके बड़ा जजमेंट करते हैं इन चीज़ों पर कि ये लोग उन्हें अच्छा लग रहा है वो करना? उन, वो सकता, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन उनकी भी एक नौकरी है इंजीनियर अपनी जॉब करता है आप अपना काम कर रहे हैं और वो, वो का मालिक नहीं है वो डिसीजन नहीं ले रहा अगेन मैं यहाँ आप, पे आपको एक ब्लेसिंग बताऊँ जब जिंदगी लाइव आया आपको पता है टीआरपी का कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि जिंदगी लाइफ की टीआरपी आती नहीं थी और हैरानी की बात यह आज तक इतने साल बाद तक रिकॉल वैल्यू है शो की कि लोग मुझे रोक रोक के बोलते हैं कि जिंदगी लाइव देखते थे नाम हाँ, हो गया ना? क्योंकि मैं अपना शुरू कर रही थी मुझे लगा कल को कुछ नाम के कॉपीराइट का इशू ना हो इसलिए बट कंटेंट फील सब वही है लेकिन न्यूज चैनल के शो को आज तक लोगों ने कैसे याद रखा हुआ है जबकि कहते उसकी टीआरपी नहीं आती थी लेकिन हमारे बॉसेस ने उस समय कॉल लिया था

आज भी मेरे ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि सेंसिटिव कंटेंट का बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूं सेंसिबल कंटेंट का उतने व्यूज नहीं आते रात ओ, रात मेरे मिलियन व्यूज नहीं होते और और right. ये मैं हूं। true, true. मैं एक्सेप्ट करती ठीक है बहुत सारे content... हुआ हाँ, कि, कितना लेकिन मेरे पास और मैं बहुत सारे स्पॉन्सर्स के पास नहीं जा रही मैं यूट्यूब से लाखों रुपए नहीं कमा रही बट यहाँ मैं कह सकती हूँ अपने आपको क्रेडिट दे सकती हूँ कॉल लिया है कि नहीं मैं यही करूंगी मेरे सोर्सेज ऑफ अर्निंग और जगह से हो सकते हैं लेकिन YouTube पे जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी लेकिन ये क्रेडिट मैं जिंदगी लाइफ के लिए नहीं ले सकती तब का एक क्रेडिट राजदीप को जाता है या मेरे पास आशुतोष थे या चैनल के मालिक राघव पहल थे उनको जाएगा कि भाई तो मुझसे वो कहते नाच गाना ड्रामा या सेंसेशनल करो, तो मेरी मजबूरी होती so, का जो आपका रहा, है तो ऐसी कोई स्टोरी जो आज भी आपको बिल्कुल याद रहती है इफ यू कैन शेयर मैं नीलम कटारा जी का इंटरव्यू ले रही थी जिनके बेटे का मर्डर हुआ था एक एपिसोड था फाइट फॉर जस्टिस उसमें दो तीन ऐसे बड़े बड़े उपहार कांड नीलम कृष्णमूर्ति जी उनके बच्चों का की डेथ हो गई थी तो वो सब लोग देवर फाइटिंग फॉर जस्टिस तो नीलम कटारा जी से मैंने पूछा कि आप वाई में कहती हैं थोड़े टाइम पहले आप कितनी अच्छी हैप्पी फैमिली दो बेटे लविंग हस्बैंड सब कुछ तो शीशक जब पचास साल जिंदगी के बहुत अच्छे थे तब तो नहीं कहा कि इतने अच्छे क्यों वाई मी सो वाई शुड आई कंप्लेन नाउ आई मीन अ मदर हू सन हैज बीन किल्ड एड इज फाइटिंग फॉर जस्टिस इतनी पॉजिटिव इतनी पॉजिटिव एक एसिड अटैक सर्वाइवर से मैंने कहा उसने मुझे इतनी मतलब ऐसी बात बताई कि मुझे ऐसा सोसाइटी शर्म आने लगी एसिड अटैक सर्वाइवर है वो वो भी कैसे क्योंकि वो न्यू बॉर्न बच्ची थी वो अपनी माँ की गोदी में थी पिता ने माँ पर एसिड फेंका सो माँ की डेथ हो गई पिता जेल चला गया ये बच्ची तो न्यू बॉर्न थी ये जल गई तो इसके पहले कुछ साल अस्पताल में बीते उसके बाद अनाथालय में बीते वहां से पढ़ाई लिखाई की वो कहीं जॉब करने गई तो एच ने एक दिन बुला के कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि सुबह सुबह आके इसका चेहरा देखना पड़ता है वैसी जिंदगी में हमें कम प्रॉब्लम है जो हम इसको देख रहे हैं आप सोचिए उसको नौकरी से निकाल दिया बोली मुंबई लोकल में लोग मुंह फेर लेते हैं तो मैंने ऐसी कहा कि बुरा लगता होगा आपको पता उसने क्या कहा उसने कहा मैम ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दूंगी तो मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी

ये एक realization आपको मिला और कुछ शिकायत नहीं करनी चाहिए और आई थिंक कीप मूविंग फॉरवर्ड कितने भी मुश्किल हालात आ जाए मैं सारे ऐसे लोगों से मिली जो जो मेहनत करते रहे मेहनत करते रहे और एक बहुत बड़ा लेसन एक और आपको कहानी बताती उस, उसका भी आज तक मुझे मुझ पर असर है सो तो एक हमने एपिसोड किया था और अनयूजल प्रोफेशंस ऑफ विमेन तो उसमें एक लेडी आई थी एक लेडी बाउंसर आई थी अच्छा सारी चीजें आप आज के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिएगा 2023 ये सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं 2008 9 दो हज़ार आठ नौ डिफरेंट है 15 20 तो, का का साल का फर्क है तो वो लेडी बाउंसर तो ऑब्वियसली बोली कि रात में 8 9 बजे निकलती हूं क्योंकि चंडीगढ़ में किसी बार में या डिस्क में वो जॉब करती थी और सुबह आती हूं पहले वो अपना शेड्यूल बताती रही पूरी सुबह आती हूं पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूं क्योंकि ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास से थी वो तो फिर मैंने सवाल पूछा मैंने कहा जब तुम आठ बजे नौकरी पे जाती हो तो अड़ोस पड़ोस के लोग बोली मैम बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता है मेरे लोग बहुत गंदा गंदा बोलते हैं तो वो शब्द तो बोल भी नहीं सकते कि काम पे कुछ कहाँ जाती है लेकिन मेरे में राशन नहीं रख देना <laughs> वो पंजाबी स्टाइल टोन में ना तो मुझे लगा कि एक्चुअली हम दुनिया को कितना अधिकार दे देते दे हैं हमारे ऊपर कमेंट करने का क्या कोई मेरे घर में राशन रखने आ रहा है आज मैं क्या कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ कहा जा रही हूँ एनी वॉन्ट टू कॉमेंट अबाउट इट वो रिश्तेदारों पर भी अप्लाई होता है वो सारे रिश्तेदार जो आपके बारे में कॉमेंट करते हैं जजमेंट करते हैं वो मुसीबत में कौन आपके सामने आता है no कोई honey, नहीं आता no कोई नहीं आता मतलब मैंने जिंदगी में सीखा मेरे साथ भी हुआ तो तीन साल पहले मेरी मदर वो डायग्नोस्ट ऑफ कैंसर और बहुत मुश्किल वक्त था तब मैंने एक्चुअली देखा कि कितने लोग एक्चुअली आपके साथ खड़े थे उनमें से कितनों ने आके पूछा कि बहुत खर्चा हो रहा होगा पैसों की जरूरत हो तो हमसे हमें कह देना कितने लोग होते हैं कमियां निकालने, कमिया निकालने सब हैं। शादी, सब शादी बच्ची की शादी थोड़ी लेट हो जाए तो, तो बातें तो, तो, <laughs> तो, तो आप देखिए ना कितने सेलिब्रिटीज के भी इंटरव्यू किए लेकिन कई बार बहुत एक आम इंसान आपको बहुत बड़ी बात सिखा के जाता है रियल हीरोज जिन्हें कहते हैं राइट देर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल एंड ब्यूटिफुल तो एक चीज है कि आप हमेशा इम्पैक्ट हैं और हम बात भी कर रहे थे कि आप बच्चों को पढ़ाती भी अभी एक और इनिशिएटिव आपने लिया है तो जिंदगी विध रिचा तो चल ही रहा है साथ में उसके बारे में आप कुछ बताएं जो आप बच्चों को पढ़ा रही हैं उसका नाम है जमगढ़ पाठशाला लेकिन यहाँ में एक चीज ऐड करना चाहूंगी जिंदगी विध रिचा के साथ साथ इनफैक्ट अभी एक साल से अब वो शो मैंने भी बंद किया है मैं बिग एफ पर एक शो कर रही थी बिग हीरोज़ और कब से से कर रही थी 2015 अब आप सोचिए बिग हीरोज मतलब वही रियल हीरोज हर हफ्ते में एक बिग हीरो को मतलब और पूरे देश से क्योंकि मेरा शो एक नेशनल शो था और नॉर्मली हम एनजीओज ऐसे नहीं लेते थे कोई व्यक्ति जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से समाज के लिए कुछ कर रहा है वो पेड़ लगा रहा है वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है वो कहीं कपड़े बांट रहा है वो डॉग्स के को खाना खिला रहा है एनिमल्स को खाना खिला रहा है तो मुझे ऐसा लगता है अखेन इसका ना क्रेडिट वाइस है मैं खुद नहीं लेना चाहूंगी आज जो मैं जमखट पाठशाला चला रही हूँ जितने सालों में जितने लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए इतने बेहतरीन लोगों के किए और मैं हमेशा आपसे कहूंगी कि आप और मैं कुछ करें ना तो मैं कहूंगी कि बिग डील पैसा है तो कर रहे हैं थोड़ा कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं कई बार मैं लोगों से पूछती थी अच्छा तो आप गरीबों को खाना खिलाते हैं आप खुद महीने में कितना कमा लेते हैं और जब वो व्यक्ति कहता था ना पंद्रह बीस हजार रुपये कमाता हूँ उसमें से ये पाँच हजार रुपये मैं निकाल देता हूँ इससे ये मैं या खाना खिला रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ जानवरों को एक मुझे लगता था ये आदमी बहुत बड़ा एक्चुअली मेरे लिए उन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट से बड़ा है जो बहुत करोड़ों कमा रहे हैं उसमें से करोड़ों कुछ छुपाने के लिए कुछ वो करके सी कर देते तो मेरे लिए ना ये एक मोटिवेशन बहुत टाइम से रहा डूइंग दीज इंटरव्यूज फिर इतफाक से जब कोविड आया और कोविड के बाद फिर वो हम लोग रेजिडेंशियल सोसाइटीज में रहते हैं मेड्स का आना सब बंद हो गया था डोमेस्टिक हेल्प का और जब खुला वो तो मैंने देखा जैसे आप सब बोलते थे भाई डोमेस्टिक हेल्प चाहिए तो लेडीज़ ना बच्चियों को लेकर आ रही थी तो मैं हमेशा कहती थी भाई बच्ची को तो मैं नहीं रखूंगी तो वो लो लोग कहती भी थी आप नहीं रखेंगी कोई और तो रख ही लेगा तो मैंने कहा तो उसको पढ़ा क्यों नहीं रही हो तो वही कोविड में कभी फादर की डेथ हो गई स्कूल छूट गया गांव से यहाँ आ गए अब यहाँ नहीं पता कहाँ पढ़ाएं तो पहले एक दो तो बच्चियों की मैंने वैसी कोशिश की कि मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी लड़की को काम पर नहीं रख रही हूँ इसको मैं ओपन स्कूल से पढ़ा देती हूँ बट मुझे लगा ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है तो मैंने ऐसे ही अपने असिस्टेंट से कहा कि बाहर कुछ बच्चे से दिखते हैं हमारे सोसाइटी के सामने मंदिर है मैंने कहा वो फूल वाले से बोलो कुछ बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने की जिन्हें जरूरत है उसने कहा पाँच छः बच्चे हो जाएंगे आप यकीन नहीं करेंगे दो में सात बच्चे मैंने कुर्सी पर ब्लैक बोर्ड रखा और मैंने ही पढ़ाया आई थिंक एक आध घंटा कुछ ए बी सी डी कुछ तो पढ़ाया होगा पता नहीं आज दो साल बाद हमारे पास पाँच छः सैलरी टीचर्स हैं वॉल्टियर्स हैं और हर दिन करीब 80 से 100 बच्चे कभी कभी सौ से ज्यादा भी हो जाते हैं हमारे जमघट पाठशाला में आते हैं लेकिन सिर्फ यह है कि चूंकि इन्फॉर्मल स्कूल है सुबह का दो ढाई घंटा तो हम लोग okay. जिन चीजों पर काम कर रहे हैं वो ये कि बच्चों की मॉरल वैल्यूज रोज सुबह मैं वो पेपटॉक खुद देना पसंद करती हूँ पंद्रह बीस मिनट की कि गाली सबसे पहले हमने बच्चों की गाली देना छुड़वाया क्योंकि ये लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना तो? ये रोज अपने ये मजदूरों के बच्चे इनके पापा भी घर में गाली दे रहे हैं कोई बताता है कि पापा शराब पी के माँ को मारते हैं वो उस तरह की कहानियां भी चाहे डील विद एवरीडे बच्चों से मैं बैठ के बात करती हूँ उनकी काउंसलिंग उनका भी ज़रूरत पड़े उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग फिर नाद हो के आना है और से बोला नहीं है हमने उन्हें हाइजीन किट्स दी हुई हैं कि इसमें साबुन तेल ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं त्यौहार उनके साथ मनाते हैं अब दिवाली के दिए पेंट कराए हैं तो अब क्रिसमस पे हम ट्री सजाएंगे सा, साल भर हम कुछ कुछ उनके साथ ही करते रहते हैं उसके बाद कोशिश ये है कि जो जो बच्चे हमें लगते हैं कि इनको हमने थोड़ा तैयार कर लिया है उनको हम अप्रैल से स्कूल भेजेंगे जब स्कूल भेजेंगे तो पेरेंट्स फिर कहते हैं हमारे पास तो फीस के पैसे नहीं है कई कह, कई लोग ऐसे होते हैं जो वो सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहते उन्हें अगर ऐसी दिक्कत है तो फिर हम कहते हैं एक साल तक तुम्हारे बच्चे की फीस हम देंगे लेकिन तुम बच्चे को पढ़ाओ तो बहुत सारे बच्चों को करीब बीस पच्चीस बच्चे ऐसे हैं जिनकी हम साल भर फीस भी हम देते हैं एक साल की उसके बाद हम पेरेंट्स से कहते हैं अब यू टेक ओवर अगर दो बच्चे तो हम कहते हैं बेटे की तुम तो बेटी की हम देंगे क्योंकि हमने एक पैटर्न नोटिस किया है कि वो बेटे को तो पढ़ा लेते हैं बेटियों को नहीं पढ़ाते तो जहाँ जहाँ मुझे जो कमी दिखती है मैं उस पर काम करती रहती हूँ तो करीब वो सौ बच्चों के साथ हर दिन मेरे दिन की शुरुआत होती है अब चूंकि लोगों को पता चल गया है थोड़ा बहुत हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो हमें सपोर्ट बहुत मिल रहा है किसी ने हमें एक टेम्पो दे दिया है सामान वामान रखने के लिए कोई हमें ब्लैक बोर्ड दे जाता है और जब लोग आते हैं अच्छा हम चूंकि सड़क पर बैठे हैं ना तो दो फायदे हैं एक तो निकल रहा है कोई गार्ड कोई ई रिक्शे वाला कोई मेड तो वो देख भी रहा है कि अच्छा हाँ हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं और लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आके पूछ लेते हैं अरे आपको कोई सपोर्ट चाहिए क्या तो हम हमें उस वक्त जैसे अब सर्दियाँ हैं

गेम्स वो ये लोग आधा घंटा खेलते हैं ठीक आठ बजे हमारी प्रेयर स्टार्ट होती है वो भी इन लोगों को तो हमको मन की शक्ति देना आ, फिर नेशनल एंथम होता है फिर एक बड़ी खूबसूरत प्रेयर मेरी पर्सनल फेवरेट है तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल वो मैं रोज इन लोगों को फिर पाँच दस मिनट का मैं उनको पेपटॉक जो भी प्रॉब्लम दिख रही है आ, किसी के पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है या आपस में लड़ रहे हैं किसी ने गाली दे दी है तो अगर एक बच्चे ने गाली दे दी तो उसमें पूरा सौ को लेक्चर पड़ेगा गाली देने पर तो ये हम मैं मेरी कोशिश रहती है मेरे बच्चों में क्या आप विलिंगनेस देखते हो कि आर दे रेगुलर तुमको मजा आ रहा है इंटरेस्ट ले रहे हैं मैं आपको बताऊँ पिछले साल वो अब तो दोस्त हो गए क्योंकि आ, मैं कई बार कहती कि आ, अपने अपने घरों में ऑफिस में बैठ के ज्ञान देना कितना अच्छा इजी भी होता है ना तो जैसे गर्मियाँ होंगी या सर्दियाँ होंगी तो लोग मुझे तुम इतनी सर्दी में बच्चों को पढ़ा रही हो तो मैंने कहा इन ये बच्चे वो है जिनके घर में हीटर नहीं है राइट ठीक है और मैं जब फिर बच्चों से जब ज्यादा प्रेशर आ जाता है मैं बच्चों से कहती हूँ बच्चों हफ्ते दस दिन की छुट्टी कर लेते हैं मैम छुट्टी मत कीजिए ये छुट्टी नहीं चाहते मतलब कभी मजबूरी में इनको गांव ले जाते हैं इनके पेरेंट्स तो अलग बात है नहीं तो मेरे बच्चे छुट्टी नहीं चाहते इसलिए हम संडे तक हम पूरा सातों दिन वैसे भी दो घंटे का ही है हम सातों दिन स्कूल चलाते हैं वो कहते हैं जब गर्मी होती है तो तो फिर लोग मेरा अरे गर्मी है गर्मी मैंने कहा ये बच्चे सड़क पर गर्मी में खेलने वाले ही बच्चे हैं हम क्यों ने, हमें नहीं डेलिकेट नहीं बना उनके लिए नॉर्मल हाँ ये बच्चे छुट्टी चाहते नहीं है इनको क्योंकि वो दो घंटे आके मैं आपको सही बताऊंगा सर आप एजुकेशन छोड़ दीजिए इन्हें इतना प्यार मिलता है क्योंकि जब मैं इनसे बात करती हूँ एक बच्चा एक ट्रबल चाइल्ड था तो टीचर्स ने कहा मैम इसको हटाना पड़ेगा ये वो तो एक दिन मैं उस बच्चे को उस लेके से खड़ी हो गई बस खड़ी हो गई और उसके भाई बहन से पूछा क्या प्रॉब्लम है वो इतनी कहानियाँ निकल कर आई कि पापा रोज शराब पीते हैं हम लोगों को भी मारते हैं हमें गाली देते हैं फिर मैंने टीचर्स को बुलाया मैं अपनी टीचर्स को हमेशा कहती हूँ पढ़ाई तो हो जाएगी सबसे पहले टॉप मोस्ट इमोशन हमारे स्कूल में जमगढ़ पाठशाल में होता है कंपैशन तो हम इन बच्चों के साथ अगर दो दिन बच्चा नहीं आया ना तो मुझे ध्यान रहता है मैं बोलती हूँ वो क्यों नहीं आया फोन करूँ उसके पापा को कि बच्चा आ क्यों नहीं रहा है आज कल पर पता चलता है बीमार है अगर कोई बच्चा बीमार है हम कोशिश करते हैं उसका इलाज करवाएं अच्छी जगह क्योंकि ये लोग तो फिर कभी कभी ऐसे वो झाड़ फूक टक गए कुछ पेरेंट्स बोलते हैं उसका झाड़ फूक कराएंगे तो नहीं हम 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 ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास सो बहुत सारी लेवल्स पर मैं पर्सनली इन्वॉल्व होती हूँ उन बच्चों के साथ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और ये लगता है कि ठीक है और मैं आपको बताएं उनको क्या सिखाती हूँ मैं उनको ये नहीं कहती कि तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है और मैं सबसे और क्योंकि क्या होता है ना हम कई बार ये कहने में ना उनका पिता कारपेंटर है हम कारपेंटर के प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं मैं कहती हूँ कुछ भी बनो ई रिक्शा भी चलाओ कारपेंटर भी बनो प्लम्बर भी बनो किसी काम में कोई बुराई नहीं है सब अच्छे काम है सब प्रोफेशन हैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो बिकॉज तो ये मेरी लर्निंग है इतने सालों की right. <laughs> तो मैं उन लोगों को ये कहती हूँ मैं उनको ओवर एम्बिशियस नहीं बना रही है पढ़ाई करो हाँ पढ़ाई करो एक अच्छा इंसान बनो फिर तुम जो भी करोगे प्रोफेशन में तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे वेरी गुड नहीं बन पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे इंसान बनना जैसा कि हमारा एक थीम रहता है मेंटल हेल्थ को लेकर के सो so इन पूरे सालों में जब कभी स्ट्रेस आया या कोई बर्नआउट या एग्जोशन आप एक्सपीरियंस करते हो हाउ डू यू टैकल दैट उसको क्या आप कैसे टैकल करते हो आई मीन ओशो फॉलोअर तो बात <laughs> है ओशो का आई नो सो ओशो को बहुत सुनती पड़ती हूं मैं पढ़ने का अब नहीं केव टाइम होता तो अब टेक्नोलॉजी का ही फायदा हो गया कि ऑडिबल पर या कहीं पर मतलब ओशो इतनी जगह है इंटरनेट पर ओशो तो, तो अब ज्यादा रेवोल्यूशन बन गए और अब ज्यादा रेलेवेंट है अब ज्यादा रेलेवेंट बिकॉज़ एट दैट पॉइंट ही वाज फार अहेड ऑफ हिज टाइम सो रेडिकल एंड टू मच अहेड ऑफ हिज टाइम एंड जो और आई थिंक उनकी डेथ के टाइम पे ही सेड दैट आफ्टर आई डाई आई विल बी फॉरएवर

गाड़ी के अंदर ओशो चल रहा है पीपल आर रील्स लाइक आफ्टर दो मैं कौन से, मैं 2008 में ओशो से हुई, 15 साल में तो हो, 2008 पे हो क्योंकि हुआ, क्योंकि हुआ क्या था जिंदगी लाइफ में वो भी मुझे वो अलग तरह का स्ट्रेस था ना मेरे बगल में, में सामने की वो, said, बैठी, कोई बैठा है कोई बैठा है जिसके बच्चे की डेथ हो गई पे अफेक्ट तो कर रहा था कोई ओल्ड एज होम पे स्टोरी की तो अब वो मुझे तो ऐसा लगना अरे सब बकवास है बच्चे तो घर से निकाल देते मैं ना इस मोड में चली जाती थी किसी भी कहानी सुन के मुझे लगता था ये सब मेरे साथ भी हो जाएगा तो आई थिंक दैट इज द टाइम मेरी माँ ने मुझसे पहले वो शो पढ़ना सब शुरू किया सुनना शुरू किया फिर वो ही मुझे एक कैंप में ले गई पहला कैंप और वहाँ से जब मैं आई तो बड़ी फनी मुझे कॉम्पलीट आया मेरे बॉस ने कहा कि अगर तुम इतनी शांत होकर आती हो मेडिटेशन कैंप से तो मैं तुम्हें साल में तीन चार बार छुट्टी देने के लिए <laughs> उससे पहले मैं बड़ी बड़े ना अजीब से चिड़चिड़े मोड में रही होंगे कुछ तो था मैं बड़े अच्छे उसमें नहीं थी है संजीव जी का। तुम छुट्टी ले लिया करो थोड़ी झगड़ना बंद करोगी तुम धीरे धीरे वो उन चीजों का भी जम पिंटू थी अनोन जब नौकरी छोड़नी थी जब एक बार अचानक ये लगा कि नहीं करनी जॉब तो ये जो एक हिम्मत कहाँ से आई तो ओशो

ट्री भी उन्होंने बनाई तो शी सेड की कम्प्लीट ट्रूथ नहीं था जो उन्होंने बताया वहाँ पे बिकॉज अवेरिका इन्वॉल्व था तो आपने पोइट्री में भी आपको इंटरेस्ट रहता है सो so कभी क्या आप लिखा ही आपको मदद करती है बिकॉज मेनी टाइम्स आर्ट और पोइट्री या लिखाई के जरिए भी लोग अपने अंदर का अगर स्ट्रेस है या एग्जोशन है बर्नआउट है उसको बाहर निकालते हैं सो so, मैं करती हूँ छोटा छोटा एक्चुअली पहले इतना नहीं था जब न्यूज कर रही थी जब जिंदगी लाइव के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगी और मैं कभी थी, थी मुझे कोई स्क्रिप्ट राइटर दे दीजिए तो संजीव जी कहते थे मैं दो और लोग किसी काम के लिए ले लो। स्क्रिप्ट तो, जब उस शो में अगर और लिखने लगेगा तो मजा नहीं 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 शो खत्म हो जाएगा तो फिर जब मैं लिखने लगी तो मैं बहुत डीप इमोशन में अब मुझे देखिए अटैक सर्वाइवर के एंगल से लिखना है एक डोमेस्टिक वायलेंसरी लेडी के एंगल से वहां से वहां से शुरू हुआ फिर ये शुरू हो गया कि कोई मुझे याद है निर्भया के टाइम मैंने कुछ लिखा एक बार जो पाकिस्तान में जो पेशावर में बच्चों पे अटैक हुआ था जब बच्चे मारे गए थे टेररिस्ट अटैक उस समय तो मैं न्यूज पढ़ रही थी और मैं न्यूज पढ़ते पढ़ते रो दी थैंकफुली को एंकर थे तो उन्होंने फिर संभाले मैं से बोला नहीं गया उसके बाद मैंने घर आके कुछ लिखा था वो तो फिर मैं छोटा, छोटा 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 एक बार मुझे फीमेल फिटी साइड पर एपिसोड करना था मैंने बहुत ढूंढा कुछ बड़े कवियों ने किसी ने फीमेल फिटी साइड पर कुछ लिखा जब कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने मैंने लिखा एक अजन्मी बच्ची के सवाल की बच्ची पैदा नहीं हुई और पापा से कह रही है हर कोई right. को ब्लेम क्यों करता है ना right. तो उसने लिखा पापा कुछ था कि पापा मैं तो दुनिया में आना चाहती सुनाओ ना ये तो आप बिल्कुल आई थिंक पापा तो वाली तो पता नहीं अब यहाँ पे अब क्या होगा मैं देखती हूँ तो अभी भी जैसे किसी कोई है किसी दिन डिस्टर्ब हूँ या कुछ थॉट आ रहा है तो लिख देती हूँ एक बार अभी क्या होता है आजकल वायरल चीजें होने का जमाना है तो दो तीन तीन साल पहले मैंने नए साल पे एक वीडियो बनाया था ऐसी कि साल बदला तो क्या हुआ तुम बद खुद को बदलो तो कुछ बात बने अब मैं देखती हूँ है। है तो। तो तो बात बने सुख शांति मांगने वालों दुख में हंसो मुस्कुराओ तो कोई बात बने क्या बात है साल अच्छा या बुरा तो तुम मनाते हो हर दिन एक अच्छा काम करो तो कोई बात बने इस साल भी सूरज चांद तारे वैसे ही चमकेंगे तुम किसी का जीवन रोशन करो तो कोई बात बने अपने काम पूरे होने की उम्मीद क्यों पालना तुम दूसरों के काम आओ तो कोई बात बने ढंग के जीवन की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा जीवन जीने का ढंग सुधारो तो कोई बात बने बीते कल का दुख आते कल की चिंता से क्या मिलता है हर पल इस पल में जियो तो कोई बात बने साल बदलने से कुछ नया नहीं होता सोच बदलो तो हर एक बात बने क्या बात है तो Beautiful. आपको ऐसा लगेगा शायद कि वही बहुत सारी ओशो की चीजें या जो yes. मैं सोशल वर्क की बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं वो निचोड वो निचोड़ कविताओं के अंदर से निकल जाता है बह जाता है आ, ये कुछ लाइन्स मैंने तब लिखी थी आपको अगर याद हो ये दो की शायद घटना है आ, पाकिस्तान में पेशावर में एक स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ yes. था। और वहां पे चूंकि विजुअल्स चल रहे थे और बार बार हम लोग न्यूज में पढ़ रहे थे कि क्लास नाइन्थ के बच्चों पर अटैक हुआ है बच्चे मार आप सोचिए ना बच्चों पर गोलीबारी बारी वो बार। चाहे पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो कोई भी, भी देश हो कितना वो लगता है और मेरी बेटी उसमें क्लास नाइन्थ में थी तो मैं न्यूज पढ़ते पढ़ते मेरा गला भर गया था तो मेरे साथ सुमे अवस्थी एंकर कर रहे थे तो फिर उन्होंने संभाल भी लिया उन्होंने कहा इनके इनकी भी बेटी है माँ का दिल वैसे भी ज्यादा होता है फिर घर आकर मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी मैं उन बच्चों में से किसी की माँ नहीं हूँ लेकिन मेरी एक बेटी है बिल्कुल उसी उम्र की सोचती हूँ वो बच्चे भी ऐसे ही अपनी माँ से झगड़ते होंगे जैसे वो झगड़ती है ऐसे ही उनकी माँ भी उन्हें डांटती होगी जैसे मैं डांटती हूँ माँ और बच्चे का प्यार और तकरार लाड़ और झाड़ ऐसा ही होता होगा ना और ये अटैक दिसंबर का ही था मुझे याद आ गया ऐसी सर्दी में वो भी अपनी माँ के साथ रजाई में घुसकर गप्पे मारते होंगे उनकी माँ भी उन्हें सर में तेल की मालिश करती होगी वो भी माँ से महंगी चीजें खरीदने की जिद करते होंगे उनके घर में भी घंटों इस बात पर बहस होती होगी कि दोस्त की पार्टी में जा सकते हैं या नहीं अगर हाँ तो कपड़े कौन से पहनकर जाए और वापस कितने बजे लौटना पड़ेगा एक माँ का दिन बस ऐसे ही ना जाने कितने बेकार के कामों में निकल जाता है सोच रही हूं उन एक बच्चों की माए आज क्या काम कर रही होंगी बस आंसू बहाने के अलावा सोचते सोचते मेरी आंखें क्यों नम है शायद इसलिए क्योंकि एक माँ सिर्फ एक मां होती है वो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी नहीं होती वो नेता या आतंकवादी नहीं होती so माँ सिर्फ माँ होती है इसलिए वो सरहद पार की माँ का दर्द अपने सीने में महसूस कर सकती है उसके आंसू अपनी आंखों में पाती है उसको गले लगाकर उसके हाथ रोना चाहती है मगर अफसोस ये सरहदें दो माओ को मिलने नहीं देंगी इसलिए इस पार से मैं ये दुआ तुझे भेजती हूँ कि तू खुद को समेट सके अपने जिगर के टुकड़े की यादों के सहारे एक बार फिर जीने की कोशिश कर सके मैं जानती हूं कि हर बच्चे के साथ आज एक माँ की भी मौत हुई है पर तुझे दिखावे के लिए जीना तो पड़ेगा ही ना दुआ करूंगी कि बची हुई जिंदगी में तुझे अब और दर्द ना मिले wow, so so, so ऐसा नहीं है कि मैं कोई पोइट्री एज इन पोएट्री ही लिखती हूँ बस जब जो थॉट आ जाए वो कहते हैं पोइट्री नॉट जस्ट इन द रिदम ऑफ वर्ड्स इट्स इन द फ्लो ऑफ थॉट पेशावर वाली बहुत सैडनेस में लिखी थी नया साल थोड़ा मोटिवेशनल तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लिखती हूँ बस जब कोई थॉट आता है

that you ट यूड लाइक टू गिव टूर ऑडियंस एक मैं ये कहूँगी मैंने जैसे आपको पहले बताया पंडित रविशंकर के साथ मैंने बहुत समय बिताया मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि वो बच्ची जो सोचती थी जिसका जिंदगी में सपना था कि वो एक बार अमिताभ बच्चन से वन ऑन वन मिलेगी उसको बच्चे साहब जानते हैं या उसके अगर मैसेज के जवाब देते हैं तो मुझे मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि एक छोटे शहर की लड़की का सपना पूरा हुआ जब उनसे मैं 2004 में पहली बार मिली उनका इंटरव्यू किया तो उनको काफी सालों से देख रही हूँ क्योंकि के में एज एक्सपर्ट में जाया करती थी तो इस तरह के लोगों से मैंने आ, समय की पाबंदी सीखी है बहुत सारे लोगों से मैंने देखा जो सक्सेसफुल होते हैं आ, ठीक है एक्सेप्शन सब जगह होते हैं बट मुझे लगता है कि आ, सिर्फ समय नहीं डिसिप्लिन डिसिप्लिन अनुशासन वो सिर्फ वो लोग नहीं जिनका मैंने इंटरव्यू किया लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ पंडित रविशंकर और अमिताभ बच्चन से इन इन दो लोगों से तो जो मैंने सीखा है सिर्फ इनको ऑब्जर्व करके क्योंकि इन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं अब पंडित रविशंकर आप देखिए जिस जिस व्यक्ति को ये कहते हैं कि संगीत का भगवान कहते हैं हम लोग आज अगर विदेशों में क्लासिकल म्यूजिक हमारा सुना जाता है तो उसका पूरा क्रेडिट पंडित रविशंकर को वो सबसे पहले म्यूजिक को बाहर लेकर गए लेकिन मैंने घर में देखा है वाई एस आर कि वो घर की डोमेस्टिक हेल्प से कैसे बात करते हैं वो मुझसे कैसे बात करते थे वो कई बार बड़े बड़े हम लोग फोन करते थे गुरुजी वो आपसे मिलना चाहते हैं किसी बड़े हम किसी एम्बेसडर का नाम लेते थे किसी ने अभी हमारा मन नहीं है फिर आके मुझसे आप कहेंगे मेरी बेटी के लिए उसको लेकर नहीं आई तो मिश्रिता को कितने दिन से क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी तो छोटी सी बच्ची को बैठ के सुनते थे कि अच्छा सुनाओ सुनाओ तुमने क्या सीखा सरस्वती पूजा पे उनके घर आ, हर साल बसंत पंचमी पर बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे कोई बांसुरी सुना रहा है गुरुजी को कोई सितार सुना रहा है कोई है, उसके बाद से मेरी बेटी की तरफ देखे कहते थे इधर आओ तो वो चीज़ कि हर व्यक्ति को पर्सनल इंटरेस्ट या मैं बच्चन सर का भी वो देखती हूँ कि एबीसी में भी किस तरह से तो ये मैंने उन लोगों से सीखा है जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं समय की पाबंदी इन दोनों से सीखी है कभी लेट नहीं होते देखा इनको मैंने और दूसरा इंटरपर्सनल कनेक्शन लेकिन अगर आप वैसे कहोगे जो इतने लोगों के इंटरव्यूज मैंने किए तो सबसे पहले मुझे लगता है कि लाइफ में और कुछ हो ना हो हमारे पास ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए हमेशा मैं हर व्यक्ति से कहती हूँ एक आप मेरे चैनल पे चेक कीजिएगा मैंने ओशो की सुनाई हुई कहानी भी सुनाई थी हमारे पास हाथ पैर आँख नाक कंज सब लोगों के पास है वो ग्रैटिट्यूड नहीं देते कि पूरा शरीर हमारा सब अंग काम कर रहे हैं और कई बार आप देखिए किसी का एक पैर नहीं है किसी का एक हाथ नहीं है उस व्यक्ति में ग्रैटिट्यूड ज्यादा होता है ये, वो ये। उसके साथ उन परिस्थितियों में भी कैसे लड़ता है वो कैसे अपने आप को खड़ा करता है ऐसे लोगों से सीखना चाहिए हमको तो जिनके पास बहुत कुछ होता है वो जब शिकायत करते हैं तब तो मुझे मुझे लगता है कि और एंड कहते हैं ना एनर्जी आप आप इसकी बात करते हैं आप आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे आपके पास हमेशा और आएगा अभी हाल में किसी दिन हमारे यहाँ घर कुछ मजाक हो रहा था तो मेरी माँ ने कहा कि अरे वो वो ये सोचता है तुम्हारे इस तरह से तुम्हारे तुम्हें देखकर मैम के पास बहुत पैसे हैं मैंने कहा तुम्हारे तो पास बहुत पैसे हैं और जब मेरे पास बैंक में आठ सौ रुपए भी होते थे तब भी मैं जीती <laughs> ऐसे थी कि मेरे पास बहुत पैसे हैं <laughs> सीरियसली मतलब मेरे घर में घर वाले थोड़ा इस बात से परेशान रहते हैं मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरे पास पैसे नहीं सो ट्रू है नहीं है वो अलग बात है मैं आपको बता रही हूँ एक फेज हाँ अजमेर में बैंक में आठ सौ हजार रुपये से ज्यादा कभी नहीं होते थे लेकिन उस समय भी मैं जीती ऐसे थी कि बहुत पैसे हैं। तो मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड होना चाहिए वाई अगर ग्रैटिट्यूड होगा तो शिकायत नहीं होगी शिकायतें जिंदगी से हम जितनी ज्यादा करते हैं उतना शिकायतों का मौका यूनिवर्स हमें फिर और दे देता है शिकायत नहीं करनी चाहिए देर इज नो टू हार्ड वर्क हम ये सोचते हैं कि ये ऐसा करने से हमें मेहनत ना करनी पड़े और चीज मिल जाए ये हम सबसे बड़ी जिंदगी की गलत फहमी है मुझे लगता है कि Uh, मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और जब डाउनफॉल्स आए या ब्रेक लगे ब्रेक लग जाए आपकी गति धीमी हो सकती है लेकिन पूरी तरह से आपको रुकना नहीं है चलते रहना है मुझे लगता है चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए आखिर में आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे को, कौन कब पहुँच रहा है वो कंपैरिजन में मत पड़िए अपनी स्पीड पर आप चलते रहिए और तीसरा मेरा जो मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू किया है जब भी आपको ऐसा लगे और जितनी जल्दी लगे उतना अच्छा है कि आप आपने जो चाहा था वो आपको मिला देखिए ग्रीड की तो कोई सीमा नहीं है ना आज मैं सोचूं कि अरे अच्छा अच्छा इतना पहुंच गया इतना सोचा था अब मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए उसकी कोई सीमा नहीं है दुनिया yes. का सबसे अमीर आदमी भी उस ग्रीड में तो जीता ही है right. लेकिन जब भी आपको लगे कि इतना है कि अब आप थोड़ा सा गिव बैक कर सकते हैं थोड़ा सा आप किसी और को दे सकते हैं आपको सौ बच्चों को नहीं पढ़ाना कि आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं ये आदत मेरी ना बचपन से थी मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी गर्मी की छुट्टी में तो वहाँ उनके यहाँ कोई दो बच्चियाँ काम करने आती थी मैंने उनको पढ़ाया वो आज अब अब वो लेडीज है तो मुझे कहती है दीदी -दी, आपने पढ़ाया था पहली बार आपने हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था मुझे लगता है हम सब अगर किसी एक एक व्यक्ति की मदद करने का ठान लें आपके घर में जो लेडी काम करती है उससे पूछिए ना वो पढ़ी लिखी है या नहीं उसी को पढ़ा दीजिए किसी एक व्यक्ति को शिक्षित कीजिए शिक्षा का दान मुझे लगता है सबसे बड़ा दान है और ये मैंने अपने उन सब लोगों से सीखा है जो इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं तो मुझे लगता है गिविंग बैक टू सोसाइटी इज द मोस्ट क्योंकि देखिए अगर ग्रेटिट्यूड होगा ना ये दोनों इंटरकनेक्टेड है अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है कि आज देखिए आज अपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं आप यहाँ एक फाइव स्टार होटल में बैठे अगर ये ग्रेटिट्यूड आ जाएगा आप आज की सिचुएशन को लेकर चार शिकायतें भी निकाल सकते हैं yes. अरे ये नहीं हुआ अरे वो ये ठीक नहीं था कैमरे की लाइट ये सब कुछ शिकायतों yes. का मौका हो सकता है आपके पास वो छोड़कर अगर आप ग्रेटिट्यूड रखेंगे कि देखो आज ये अच्छा हो गया ये अच्छा हो गया ये अच्छा हो गया तो फिर आपको लगेगा मुझे इतना मिला है ना तो मुझे देना भी चाहिए सो ट्रू तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है और आई yes. थिंक तो <laughs> <laughs> एक चीज भी कहते हैं कि अगर न्यूटन का नियम स्पिरिचुअल दुनिया में लगा दें तो इफ इज़ द एक्शन रिसीविंग विल बी द रक्शन स्कैर जो आप करेंगे वो और मैनिफेस्ट होके आप ही के पास वापस yes. अभाव बढ़ने लगेगा ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनका दिन शुरू होता है शिकायतों से और मुझे लगता है इन्हें और कितना पैसा चाहिए अच्छा और, और पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे ये समाज के लिए तो फिर भी कुछ नहीं करेंगे you will just end up buying one more diamond set one more expensive car one more big house that's all even i have seen मैंने अपने आसपास भी देखा कि लोग सपोज सब्जी खरीद के ले जा रहे हैं अब सब्जी खरीद ली लेकिन पूरे रास्ते कंप्लेन करते हुए चलेंगे कि इतनी महंगी हो गई है सब्जी आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता कैसे हम चलाएंगे चलाएं? तो, तो <laughs> तो, पेट्रोल हैं आ, तो फिर है। चलती है कि इतना महंगा हो गया है पेट्रोल मैं कई बार अपनी वर्कशॉप में भी ये चीज कहता हूँ कि आपने उसे खरीद लिया है अब कंप्लेन मत करो उल्टा यू शुड थैंक गॉड कि इतनी महंगी होने के बावजूद भी आज आप अपने घर पे लेके जा रहे हो उसे एटलीस्ट आज तो थैंकफुल हो जाओ कल होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए

इतना रेजोनेटिंग पॉइंट था मेरे लिए भी काफी काफी सारी similarities मुझे मिली तो काफ़ी हुआ या या फिर चाय चाय कॉफी आपका क्या है गोलगप्पे कड़ी चावल पोहा जब स्ट्रेस हो तो आपका गो टू तो स्ट्रेस रिलीवर क्या होता है ओशो के बाहर आपका पसंदीदा हॉबी क्या है संगीत म्यूजिक इज माय लाइफ म्यूजिक हीलर जो उसे पे बात रुक गई मैं मैं नहीं तो मैं अगला को थी में फेवरेट है आप? मैं तो और उनका जावेद अख्तर साहब के साथ सिलसिले उनका एल्बम आया था इन तो बहुत सुनती थी वो एक बुक जो आप बिलीव करते हैं कि सबको पढ़नी चाहिए मैंने सबसे पहली ओशो की जो किताब पढ़ी थी उसका नाम था

तो दो हज़ार बारह में मैं आई वॉज वन ऑफ दिस ट्वेल्व पीपल तो उस समय मैं लंडन में तीन महीने रही और मैंने यूरोप घूमा यूरोप तो और उसमें एक जगह है ब्रूज जो अगर आप लोगों ने पीके का जो फर्स्ट पार्ट है वो जो जगह है अनुष्का और सुशांत वाला वो जो सारा शूट हुआ है वो ब्रूज है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी और उस ट्रिप पर कहते हैं जैसे हमेशा मैंने मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना आपको कि और एनर्जी पर बहुत बिलीव करती थी तो बचपन से क्या था ना थैंक्स टू यश चोपड़ा जी और छोटे शहर में पले बड़े तो स्विट्जरलैंड एक ड्रीम डेस्टिनेशन था और मुझे हमेशा झांसी में थे तो कभी बर्फबारी नहीं देखी थी तो मैं हमेशा कहती थी यार स्नोफॉल देखना है किसी दिन और स्विट्ज़रलैंड जाना है मैंने अपने जीवन का पहला स्नोफॉल स्विट्ज़रलैंड में देखा कैसे देखी मेरा ड्रीम कैसे मैनिफेस्ट हुआ कि पहला स्नोफॉल और मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड वहीं पर हुआ अच्छा आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर को इंटरव्यू करना हो

ऐसे तो अगेन हम उस स्कूल से आते ना जब हम चिल्लाते नहीं थे हम बहुत कामली पढ़ते थे और निधि मैम हम लोग सबके लिए एक इंस्परेशन थी बोले न्यूज़ ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम किसी एक को बता रही हो अपने घर में अपनी मम्मी को न्यूज़ बता रही हो कि ऐसे 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 हुआ तो बोले उससे तुम बहुत नेचुरल रह पाओगी आर्टिफिशियल नहीं होगे तो प्रोफेशनली मुझे लगता है कि वो एक उस समय की सलाह ने मुझे एज अ न्यूज एंकर तब बहुत uh, साथ दिया बट uh, उसके अलावा तो सलाहें मिलती रहती वन थिंग यू विश मोर पीपल न्यू अबाउट जर्नलिज्म इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क लोगों को सिर्फ टीवी पर मेकअप लगाए हुए और अच्छे-अच्छे कपड़े पहने एंकर्स दिखते हैं मुझे हमेशा लगता है कि जो पीछे लोग होते हैं आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं सब लोग आपको और मुझे देखेंगे ना कैमरा करने वाले लोग जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सुबह से वो सबकी मेहनत दिखाई नहीं देती तो जर्नलिज्म में भी एक चैनल एंकर नहीं चलाता एक चैनल चलाने वाला एक

अपने लिए थोड़ा वक्त ज्यादा निकालना चाहती हो थोड़ा पढ़ना एक किताब लिखना जरूर चाहूंगी जिंदगी लाइव और जिंदगी वितरचा के अपनी एक्सपीरियंसिस पर बट आप ये कहें कि कोई कि कोई मटीरियल एम्बिशन हो कि मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है या मुझे इस पद पर जाना है ऐसा कुछ भी कोई एम्बिशन नहीं है या? ऐसा नहीं है बट जस्ट मीनिंग वो मैं जितना कर सकती मीनिंगफुल लाइफ अब क्योंकि अभी तक भी बहुत ऐसा लगता है कि बहुत भाग दौड़ में जी लिए आप जितने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकू जैसे अगर वो सौ बच्चों को मुझे लगता है है मैं आप आपको पता अभी अभी एक दिन, अभी हाली में एक एक दिन हाल ही में में सांसद के घर बहुत पैसे मिले तो वो वो एक एक ट्विटर पे चल गया था एक फोटो चली yes. कि अगर आप एकदम सुबह उठे और आपके घर आपकी अलमारी खोले और इतना सारा पैसा हो तो आप क्या करेंगे तो लोग अपना 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 लिख रहे थे मैंने तीन चीजें लिखी मैंने कहा एक तो नोएडा छोड़ के मैं वापस झांसी ओरछा जाके बस जाऊंगे क्योंकि महानगरों में तो आप पापी पेट का सवाल है इसलिए रह रहे हैं दूसरा मैंने कहा मैं, मैं देशभर में जमघट पाठशालाएं और बच्चों के लिए गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना चाहूंगी और तीसरा विश्व भ्रमण और भारत भ्रमण पर निकल जाया क्योंकि तो फिर मुझे पैसों की और काम करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी तो मुझे लगता है कि मेरे आगे की जिंदगी का ये मैं कोर्स चाहती हूँ अब लेकिन जो आप चाहते हैं वो ऐसा होता नहीं है तो इस ज़्यादा प्लान नहीं करती